शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। दोस्तों, एमसीएल जिस संस्था से फंड ले रही है, हमारा फंडिंग पार्टनर, हमारी संस्था, उस संस्था के संस्थापक प्रमुख व्यक्ति, उस संस्था के बैकबोन वो हाल ही में गुजर गए, जिसके वजह से पिछले कुछ दिन ये संस्था काम नहीं कर रही थी, लेकिन इस हफ्ते से अभी उन्होंने सब कुछ अपना कामकाज शुरू कर दिया है। हम ऑलरेडी ट्रांजेक्शन फेज में हैं, रिसीविंग फेज में है। हम जल्दी ही ये ट्रांजेक्शन पूरा करेंगे, ये फंडिंग हमारे पूरे परिवार के लिए लाएंगे। और दोस्तों, ये पहला ट्रांच ही इतना अच्छा है, इतना बड़ा है कि हम इसके साथ हमारे सभी प्रोजेक्ट्स, सभी एमसीएनजी एमकोल प्रोजेक्ट्स वो तो पूरे करेंगे ही, वो तो शुरुआत करेंगे ही, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे परिवार के जितने भी उद्योजक है, हर उद्योजक के लेवल पे, हर सदस्य के लेवल पे हमें बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करनी है, वो हम इस फंडिंग के साथ करेंगे दोस्तों। लेकिन जिससे जैसे जैसे ये फंडिंग डिले होता है, इसको टाइम लग रहा है, तो कई सारी चुनौतियों का या मुश्किलों का सामना हम कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे ऐसे उद्योजक भी है जो काफी मुश्किलों से गुजर रहे हैं इस डिले की वजह से। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो फंडिंग के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए जो डिले हो रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा वो लोग हैं एमसीएल के मैनेजमेंट। दोस्तों, बहुत ज्यादा, यानी किसी कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हो रही है कि जिनकी कभी भी उम्मीद नहीं की, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और ये सब कुछ हो रहा है, ये हम फेस कर रहे हैं, हम इससे गुजर रहे हैं। और ये बात आज की नहीं है, हम पिछले ऑलमोस्ट 9 महीने, जानवरी से बात की शुरुआत हुई, 9 महीने पूरे हो चुके हैं हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन ये परिस्थिति, ये जो लाइबिलिटीज है जिसकी वजह से ये इश्यूज है, कुछ लीगल चीजें हैं, ये जो है, ये जो इश्यूज जिस अमाउंट के लिए है या जिस लाइबिलिटीज के लिए, लाइबिलिटीज बहुत लिमिटेड है। हमारा एमसीएल परिवार, हमारी संस्था इतनी बड़ी बन गई है कि उसके सामने ये जो लाइबिलिटीज है बहुत लिमिटेड है। अगर हमें चाहिए कि ये जल्द से जल्द इस चीजों से छुटकारा पाए, सुकून से, आराम से रहे, अगर हम ऐसे चाहे तो हम, हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, और आज नहीं, डे वन से है। अगर हम चाहते तो जनवरी फरवरी में ही ये सब कुछ पूरा कर देते आराम से, और आराम से गहरी अच्छी नींद सो सकते थे। लेकिन जब भी ऐसा कुछ करना हो, यानी तब भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ है। लेकिन जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो हमारे सामने दो चीजें होती है, एक तो ये चैलेंजेस, ये मुश्किलें जो है उस लाइबिलिटीज की वजह से, और दूसरी जगह है वो जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी जो 10,000 से भी ज्यादा उद्योजकों के लिए है, वो जिम्मेदारी जो 34 लाख हमारे किसान या हमारी जो परिवार है उनके लिए है। तो जब भी कुछ काम करना होता है, जब भी कुछ डिसीजन करना होता है, तो हमारे सारे सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदारी आती है। हमें जिम्मेदारी लेनी है इनके भविष्य की, हमें जिम्मेदारी लेनी है हमारे किसानों को सशक्त करने की, हमें जिम्मेदारी लेनी है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने की। हमारा हर प्रदेश सुजलाम सुफलाम कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और सामाजिक विकास कैसा हो, वो जो जिम्मेदारी ली है ना, पहली उसकी सोच आती। और इसलिए कभी भी किसी भी मुश्किल में, किसी भी वक्त अगर कोई निर्णय लेना होता तो हम आसानी से इमीडिएटली निर्णय लेते, और कभी भी ऐसी चीजों की परवाह नहीं करते जो इमीडिएटली हमें रिलीफ दे, हमें प्लेजर दे, हमें इस प्रॉब्लम से दूर करे। नहीं, हम हमेशा याद रखते हैं ये पर्पस, किस पर्पस के लिए शुरू की, पिछले 20 सालों से किस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं, पिछले इन सालों से कैसे हर दिन रात इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए, मकसद के लिए काम किया, वो मकसद पूरा होना चाहिए। तो वक्त नहीं लगता, हम वक्त नहीं लगता डिसीजन लेने के लिए जब ऐसी गलत चीजें हमें नहीं करनी होती। यदि छोटे से अमाउंट के लिए कब के हम ये सब कुछ करके राहत की नींद या राहत के टाइम गुजरते थे, लेकिन हमारे लिए इतना सिंपल है जैसे मानो स्कूल में, कॉलेज में वो जो पीरियड होता है, वो 5, 7 साल, 8 साल का पीरियड होता है ना, उस पीरियड में बच्चे या हमारे युवा क्या करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आने वाले लाइफ में वो क्या करेंगे, आने वाला वक्त, आने वाली लाइफ उनके लिए कैसी होगी, वो डिपेंड करता है कि वो अपने उस दिनों में, उन दिनों में क्या करते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट 5, 7, 8 साल होते हैं, 10 साल होते हैं, उसमें क्या करते हैं। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि उनको इमीडिएट प्लेजर जिसमें मिलता है, जिसमें आनंद मिलता है, वो शायद उसमें ज्यादा वक्त अपना गुजारे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनका लक्ष्य क्या है, उनको पता होता है कि उनको करना क्या है,
क्या बनना है, उनका पैशन क्या है, और उस टाइम फिर वो मेहनत करते हैं, उस 5-7 साल मेहनत करते हैं, वो उस छोटे छोटे जो मिलने वाले जो आनंद होते हैं उसमें मजा नहीं लेते, पूरी मेहनत करते हैं, फिर जिंदगी भर मजे लेते हैं, जिंदगी भर उनका आनंद मिलता है, और आनंद इसलिए नहीं मिलता है उनको ज्यादा ज्यादा पैसे मिलते हैं, ज्यादा पैसे तो मिलते ही है ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को जो अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद जो मिलता है वो कॉन्ट्रीब्यूशन से, वो आनंद मिलता है कि जो हमने सोचा वो करके दिखाया, जो पैशन, जो सोच है, जो लक्ष्य है उसको पूरा किया, और फिर उसके साथ एक कुछ अच्छा करने की कोशिश की, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ वो आनंद मिलता है। तो दोस्तों ये जो कुछ वक्त चल रहा है अभी कुछ दिनों से, हम लोग जिस बदलाव से गुजर रहे हैं, भले ही इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, अड़चनी आए, चैलेंजेस आए, कुछ अनसीन ऐसे प्रॉब्लम्स आए, सर्कमस्टेंसेस आए, लेकिन फिर भी हमें, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इससे गुजरते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो हमारा जो लॉन्ग टर्म, जो हमारा पर्पज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये तो समय अभी ये तो खत्म ही होने वाला है, एक बार फंडिंग हो जाएगी तो ये पूरी चीजें बदलने वाली है, लेकिन सोचिए इस जिस जिम्मेदारी को हमने सोचा है, लिया है, और जिस जिम्मेदारी के साथ ये काम कर रहे हैं, उस जिम्मेदारी को जब हम पूरा करेंगे तो कितनी खुशी मुझे ही नहीं हमारे परिवार को सबको मिलेगी। और दोस्तों ये जो टफ टाइम होता है ना, ये जो मुश्किलों का समय होता है, ये जो चैलेंजेस का समय होता है ना, ये कभी कभी वरदान स्वरूप आता है, ये आशीर्वाद की तरह आता है, क्योंकि ये जो टाइम आता है ना जिसमें भले ही आपको ऐसी मुश्किलें देखनी पड़ी, ऐसी चीजें देखनी पड़ी जी जो कभी आपने सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं की थी, ऐसी अचानक बहुत बड़ी बड़ी कठिन ऐसी चीजें तैयार होती है, ऐसी परिस्थितियां तैयार होती है, लेकिन उस परिस्थितियों को जब उनका सामना हम करते हैं, उसमें से जब आप निकल के आते हो, उसके बाद उस पूरे प्रोसेस में आपको पता चलता है आपकी क्षमता के बारे में, आपकी जो अंदर की स्ट्रेंथ है, आपकी जो अंदर की ताकत है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो निकल के आती, आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में शायद हमको अंदाजा ही नहीं रहता, जब तक ऐसी परिस्थितियों से हम गुजरते नहीं आप हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे अंदर क्या है, क्या कर सकते हैं हम, किधर जा सकते हैं हम, क्या एबिलिटी और क्या कैपेबिलिटी हमारी हो सकती है, ये सब निखर के आता है ऐसी परिस्थितियों में। तो ये जो परिस्थितियां होती है ना, ये भी बहुत मूल्यवान, बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, इनफैक्ट ये जो परिस्थिति यही हमको बहुत नेक्स्ट लेवल का इंसान या व्यक्ति बनाती है। दोस्तों हम सभी निर्जीव वस्तु के बारे में जानते हैं, निर्जीव वस्तु के बारे में जानते हैं कि अगर किसी पत्थर का मूल्य बेहतर करना है तो उसको बहुत सारे उसको तराशना पड़ता है, उससे वो मूर्तियां तैयार करनी पड़ती है, बाद में फिर उसका मूल्य बढ़ता है, अगर कोई कोयला है उसको हीरा बनाना है तो उसको बहुत भयंकर प्रेशर, टेम्परेचर सबसे गुजरना पड़ता है, तब जाके वो हीरा बनता है। और वैसी परिस्थिति मोती की भी है, मोती भी वैसे ही बनता है। ये हम निर्जीव वस्तु के बारे में जानते हैं, लेकिन सजीव वस्तु के बारे में या सजीव चीजों के बारे में या अपने खुद के बारे में नहीं समझते चीज, खुद के बारे में भी अगर हम समझे तो ऐसे जो चीजें होती है, ऐसे ऐसी परिस्थितियां होती है, ये जो प्रोसेस होती नहीं हमको बेहतर बनाने के लिए होती है, ये हमको बहुत नेक्स्ट लेवल का बनाने के लिए होती है, ऐसी परिस्थितियां हमें ये बताने के लिए होती है तू क्या कर सकता है, और शायद ये परिस्थिति इसलिए तैयार हुई, शायद एक जो कुछ दिन ये परिस्थिति, जो कुछ माहौल हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि आने वाले दिनों में हमें जो काम करना है उसके लिए ये प्रकृति हमें तैयार कर रही है। जब हम कह रहे हैं कि हमें पूरे देश को सुजलाम सुफलाम बनाना है, हमारे देश में जितने भी राज्य है, जितने भी क्षेत्र है, जो भी जगह है, उसको मैक्सिमम उसका विकास करना है, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, तो आने वाले दिनों में ये काम करने के लिए करते वक्त कई सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, और उन चैलेंजेस के लिए, ये उन सभी चीजों के लिए तैयार होने के लिए आज ही प्रकृति हमें ट्रेन कर रही है, और दोस्तों वो समय ज्यादा दूर नहीं है, अभी ये फंडिंग होने के बाद ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम, हमारी संस्था, हमारी फैमिली, हमारी एमसीएल को लेके जाएंगे। और दोस्तों ये क्या होता है, ये परिस्थिति इसलिए भी जरूरी होती है ना कि इस परिस्थिति में पता चलता है कौन आपके साथ खड़ा है, इस परिस्थिति में पता चलता है कि कौन वो लोग है कि जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, और फिर ऐसी परिस्थिति में तैयार होती है वो स्ट्रॉन्ग टीम, वो लोग जिनके साथ एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है, वो लोग, ऐसे ही लोगों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो स्वराज्य बनाया था, और शायद वैसे ही हम एक बहुत बड़ा बदलाव करें, और ऐसी टीम बनती है, बन गई है, और दोस्तों बहुत ही जल्द ये फंडिंग होने के बाद हम अपनी संस्था को, एमसीएल को, बहुत बड़े लेवल पे
पे लेके जाएंगे, हम अपने देश को, हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक जो प्रगति है उस पर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आने वाले दिनों में एमसीएल का होगा। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से नवरात्रि की शुरुआत हुई है। नवरात्रि वैसे तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ऐसा त्योहार है, लेकिन हमारे देश में तो बहुत सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है। हमारे देश में हर जगह, हर पार्ट में इसको मनाया जाता है। वैसे तो 9 दिन नवरात्रि के पीछे क्या स्टोरी है वो तो है ही, वो तो स्टोरी वगैरह है ही, लेकिन इस नवरात्रि में हम बेसिकली इन 9 दिनों में हम स्त्री तत्व की पूजा करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, स्त्री तत्व यानी सिर्फ मनुष्य के लिए, पुरुष और स्त्री वो सिर्फ उनको उनका उनका सेलिब्रेशन नहीं है या उनकी पूजा नहीं है। स्त्री तत्व हर एक जगह है। स्त्री तत्व इस पूरे यूनिवर्स में है। इसमें हर हर एक लिविंग यानी सजीव, चाहे वो वनस्पति हो, प्राणी हो, हर में पुरुष और स्त्री ऐसे तत्व होते हैं। तो ये जो स्त्री तत्व है ना, उसकी पूजा, उसका सेलिब्रेशन बेसिकली 9 दिनों में हम करते हैं। दोस्तों, जैसे आप देखे, कल पहला दिन था, कल पहला दिन था, और पहला दिन जो होता है उस पहले दिन में माँ शैलपुत्री देवी, इसकी पूजा की जाती है। अभी शैलपुत्री का मतलब क्या है? शैलपुत्री का अगर आप देखेंगे तो शैल यानी पर्वत, पर्वत की पुत्री, पर्वत की देवी। दोस्तों, ये जो बेसिकली पहला दिन है ना, ये हमारी प्रकृति के लिए होता है। ये शैलपुत्री देवी, ये शैलपुत्री माँ जो है, वो बेसिकली प्रतीक है हमारी इस माँ का, इस प्रकृति माँ का। तो पहले दिन हम इस प्रकृति माँ की पूजा करते हैं। वैसे ही आज का दिन, आज का भी अगर आप देखो तो माँ ब्रह्मचारिणी है। तो ये प्रतीक है बुद्धि की, ये प्रतीक है ज्ञान की। और दोस्तों, मैं हमेशा मानता हूं, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, कि महिलाओं को, उनको ज्यादा बुद्धि होती है पुरुषों से। इनफैक्ट आप देखोगे ना कि बच्चे भी जब बड़े होते हैं ना, तो लड़कियां ज्यादा जल्दी मैच्योर होती है, ज्यादा सूझबूझ उनमें जल्दी आती है। एक 10 साल का लड़का, 10 साल की लड़की अगर आप देखोगे तो उस बच्ची में आपको ज्यादा सूझबूझ नजर आएगी। ये प्रकृति है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, ये तो 9 दिन हम अलग अलग स्त्रियों की शक्ति, स्त्री तत्व की शक्ति, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे रियल लाइफ में, असली जीवन में भी कई सारी ऐसी महिलाएं होती है जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है, इतना बड़ा, इतना समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए या भविष्य के लिए इतना सब कुछ करती है, इतना समर्पण करती है कि वो हमारे लिए हमेशा के लिए देवी बन जाती है। और वो सच में देवी यानी हमारे आप जैसे ही महिलाएं, व्यक्ति, वो सच में देव बनने जितने काम करती है। और इतना आसान नहीं होता, ये आसान नहीं होता उस लेवल पे जाने, आसान नहीं होता। वो बहुत संघर्षों से गुजरती है, वो बहुत ज्यादा हम सोच भी नहीं सकते ऐसी चीजों से गुजरती है, काम करती है, मेहनत करती है अपने इस पर्पस के लिए, उस कंट्रीब्यूशन के लिए, और बाद में वो उस लेवल पे जाती है, वो उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाती है समाज में कि आने वाले दिनों में फिर सालों साल उनकी देवी करके पूजा होती है। और ऐसी एक देवी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है सावित्री देवी, सावित्री देवी फुले और फातिमा शेख। ये दो देवियां ऐसी देवियां है कि जिनकी आने वाले सदियों तक इनकी पूजा की जाएगी, ये एक्चुअली देवियां है। दोस्तों, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, ये इतना महत्वपूर्ण है कि आज हम जो देख रहे हैं ना, महिलाओं की प्रगति, आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां महिलाएं पीछे है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे क्षेत्र है कि जहां महिला पुरुषों से बहुत बेहतर काम कर रही। आज कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां महिला जा नहीं सकती, राष्ट्रपति, पंत प्रधान से लेकर कोई भी पद हो, कोई भी सरकारी सेवा या कुछ भी हो, जहां महिला आज भी कुछ करती, सब कुछ कर सकती है। और हमारे देश में इसकी जो पहल शुरू की, हमारे देश में ये सब कुछ शुरू हुआ, और आज हम जिस परिस्थिति में, उसकी शुरुआत जिन्होंने की, ये वो देविया है, वो देविया है सावित्री देवी फुले और फातिमा शेख। दोस्तों, जब इन्होंने शुरुआत की तो परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इन्होंने जब शुरुआत की, कई सारे ऐसी जगह थी, कई सारे ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे काम थे जो महिला बिल्कुल नहीं कर सकती थी। महिला को अलाउड ही नहीं था, स्त्रियों को अलाउड ही नहीं था। बहुत बेसिक बेसिक चीजें थी जो एज अ ह्यूमन, एज अ मनुष्य करके होनी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल अलाउड नहीं था। ऐसी परिस्थिति में वो समाज था, और ऐसे समाज में फिर इन देवियों ने शुरुआत की। दोस्तों, इन देवियों ने
उस टाइम में काम की शुरुआत की जब शिक्षा यानी लड़कियां पढ़नी ही नहीं चाहिए, लड़कियों का काम ही नहीं है पढ़ना, बिल्कुल नहीं। लड़कियों को पढ़ के क्या करना है? जितने भी स्कूल थे, जितने भी अच्छे स्कूल थे, कुछ कुछ जगह में लड़कियों को लड़कियां पढ़ाई जाती थी अपवादात्मक परिस्थिति में, बहुत ही अपवाद, ऐसे सामाजिक ओपनली तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन लड़कियां पढ़ाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत भी नहीं है और पढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति में समझिए इन देवियों ने लड़कियों के लिए, ना कि उनके सिर्फ पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए काम किया, उनके लिए एक स्पेशल एक स्कूल जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों लिए, ये हमारे देश में पहला स्कूल इन दो देवियों ने, सावित्री बाई फुले, इन्होंने शुरुआत की। और दोस्तों ये बहुत ही डिफिकल्ट था। आज हम सिर्फ उनकी कथा या बात कर रहे हैं, उनकी कहानी सुन रहे हैं, और आज हमको शायद ये सिंपल लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल नहीं था। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम वो था। इनफैक्ट ये जब उन्होंने काम की शुरुआत की, ये इनको इतने सारे लोगों ने उनको धिक्कारा, वो अपने पति के साथ, महात्मा ज्योतिराव फुले इनके साथ जिस घर में रह रहे थे, ये एकत्र कुटुंब पद्धति या ज्वाइंट फैमिली जिसे कहते हैं, वो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे थे, और वहां उनके ससुर ने उनको सिर्फ इस वजह से निकाला, निकाल दिया घर से कि आप बिल्कुल लड़कियों को पढ़ा नहीं सकते, आपको इधर रहना है तो आपको प्रॉपरली रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक घर उसपे समाज में छीतू हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में वो समाज ने किया था, क्योंकि वो लड़कियों के लिए पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसी परिस्थितियों में फिर वो निकल के महात्मा ज्योतिराव फुले अपने अच्छे दोस्त उस्मान शेख के पास गए। उस्मान शेख के उनके घर में उनकी बहन रहती थी फातिमा शेख। उन्होंने सबसे पहले तो अपनी जगह दी स्कूल की फिर से शुरुआत करने के लिए, तो स्कूल की शुरुआत हुई। लेकिन फातिमा शेख इन्होंने आने वाले दिनों में अपनी पूरी जिंदगी इस अच्छे मकसद के लिए खर्च की। वो हमारे देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका है। लेकिन उन्होंने जो काम किया इन दोनों ने मिलकर, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी मुश्किल परिस्थिति से निकल के उन्होंने एक काम किया। दोस्तों सावित्री बाई फुले जब भी निकलती थी घर से स्कूल जाने के लिए, क्या क्या नहीं किया होगा लोगों ने, क्या सोच सकते हैं आप? आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए कि वो अपने थैली में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी। लोग ना कि सिर्फ गाली गलौज करते थे, स्त्री को गाली गलौज तो करते ही थे, उबलता हुआ पानी, गोबर, गंदगी, कीचड़ फेंकते थे, क्या सोच सकते हैं हम लोग? और ये महान देवी ऐसे ही परिस्थिति में स्कूल तक जाती, साड़ी बदलती, दूसरी साड़ी डालती, लेकिन बच्चों को पढ़ाती। तो ये होता है संघर्ष, ये वो चीज होती है जिससे निकलते हैं। और इतनी मेहनत, यानी कितनी भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, लेकिन वो अपना मकसद, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जो उन्होंने तय किया होता है, जो उद्देश्य के साथ उन्होंने शुरुआत की होती है, उस उद्देश्य को नहीं वो बोलते। और फिर इसकी वजह से होता है वो कॉन्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह से वो समाज में वो बदलाव कर पाती है कि जिसकी वजह से आने वाले दिनों में सदियों तक सब लोग उनकी देवी करके पूजा करते हैं। और दोस्तों इनकी जब कहानी हम पढ़ते हैं, कहानी समझते हैं, तो हमको लगता है, मैंने मुझे तो इतनी प्रेरणा मिलती है, मुझे खुद को लगता है कि ये इतना इन्होंने किया है, इतना कुछ सहन किया है, और कुछ किस चीज के लिए मुझे बताइए? पैसे या खुद के लिए कुछ नहीं था, कुछ अच्छा करने के लिए, लोगों के लिए किया। अब इन्होंने इतना कुछ किया तो हम तो ये कर ही सकते हैं ना। हम सिर्फ अपने छोटे सा कंफर्ट मिले, हम इस प्रॉब्लम से छूट जाए, इसलिए गलत चीज लेके या गलत कुछ सोल्यूशन लेके हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो ये जो ठीक है, ये संघर्ष का टाइम है, ये ऐसा पीरियड है जो ऑब्वियसली अभी जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन इसमें ये करने की प्रेरणा, कुछ अच्छा करने के, अपने मकसद के ऊपर फोकस रहने की प्रेरणा हमें ऐसी देवियों से मिलती है, और बस यही हमें करना है। दोस्तों ये जो चैलेंजेस है ना, ये ऐसे समय जब आप अपने फोकस, अपने ध्येय के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर फोकस होते हैं ना, तब ये सब जो पीरियड होता है ना, ये आपको बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड है, ये ट्रेनिंग पीरियड है कि हमको अभी नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार होना है। बस ऐसे ही समझ के हम सभी लोग काम करते, मेरी टीम में, हमारे पूरे परिवार में जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो यही समझ के काम कर रहे हैं कि अभी हम ट्रेन हो रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं बड़े काम के लिए, ट्रेन हो रहे हैं एक बड़ा मकसद, एक बड़ी चीज हासिल करने के लिए, हमारे लक्ष्य के लिए। और हमारा लक्ष्य है कि हमें
अपने देश को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी। हमें हर राज्य को, यानी अंदाजा ही नहीं है, लेकिन आप जो भी राज्य समझेंगे ना, उस हर राज्य का जो पोटेंशियल है ना, उसकी पढ़ाई की हमने, और उस जब उस पोटेंशियल तक लेके जाएंगे ना, अपने आप अपना देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा, हर क्षेत्र में हम पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। हम मिलकर वो काम करेंगे कि हमारा देश फिर से दुनिया के उस स्थान पे जाए जहां वो दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय एशिया।